हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर चुके हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को देख चुके हैं। अब इससे संबंधित हम प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं, प्रश्न और उनके उत्तर देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं इससे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा सिविल अधिकार संरक्षण पहले किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिए, इसे अस्पष्टता अपराध अधिनियम कहते थे। सा ऑप्शन सही है इसमें। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अस्पष्टता अपराध अधिनियम का नाम परिवर्तित करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कौन से संशोधन द्वारा किया गया? तो याद रखिए, यह है 1976 के अधिनियम क्रमांक 102 द्वारा। यह हुआ था 19 नवंबर 1976 को। तो बी ऑप्शन सही है, बा ऑप्शन सही है। फिर अगला तीसरा, क्या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 सीमित हैं? तो याद रखिए, किसी भी विशेष समुदाय या धर्म के लिए नहीं है। द ऑप्शन सही है इसमें, तीसरे में। चौथा क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 संक्षेप में अधिनियम 1955 का विस्तार है। तो याद रखिए, संपूर्ण भारत में। अब तो तीनों का भी संपूर्ण भारत में हो गया, 1993 वाले का भी, 1989 वाले का, ST/ST का, और इसका भी संपूर्ण भारत में। पांचवा क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 प्रभावशील है? तो इसमें आपको क्या करना है, संपूर्ण भारत में। छठा क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम प्रवृत्त हुआ तो आपको क्या करना है, 1 जून 1955 में। सा ऑप्शन सही है। फिर है सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के संदर्भ में सिविल अधिकार हैं कोई भी अधिकार जो किसी व्यक्ति को अस्पष्टता को समाप्त करने के कारण निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ। सात का है सा, अनुच्छेद 17। फिर आठवां क्वेश्चन है, स्थान के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिए, स्थान के अंतर्गत उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं, गृह भवन, अन्य संरचना तथा परिसर, तंबू, यान या जलयान। ठीक है, अब नौवां क्वेश्चन, कौन सा नौवां, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन अनुसूचित जाति का वही अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 में उसे दिया गया है। ऑप्शन सही है इसमें। फिर हमारा दसवां क्वेश्चन, सूर्य उपासकों के एक समूह द्वारा अपना एक पृथक समुदाय बनाया गया और उन्होंने अपनी उपासना हेतु एक स्थल को सुरक्षित किया है, व्यक्तियों के निम्न चार वर्गों में से किसी एक वर्ग के व्यक्तियों को और क्यों निर्वारित करने पर इन उपासकों में से कोई भी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का दोषी ठहराया जा सकेगा? तो इसमें है दसवें, अन्य समुदाय के सभी व्यक्ति। आ ऑप्शन सही है। फिर है ग्यारहवा क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध धर्म के आधार पर नियोक्ताओं को विवर्तित करने के लिए दंड का प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा में दिया गया है? तो याद रखिए, धारा 3 में। सा ऑप्शन सही है। फिर है बारहवा क्वेश्चन, कौन सा बारहवा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 में विहित करती है। तो याद रखिए, इसमें है वा ऑप्शन, सामाजिक नियोक्ताएं लागू करने के लिए दंड। फिर 13, क्वेश्चन नंबर 13, अस्पष्टता के आधार पर अस्पताल आदि में व्यक्तियों को प्रवेश देने से इनकार करने पर दंड का प्रावधान है? 13, बी ऑप्शन, धारा 5 में। फिर एक ऐसे स्कूल के प्राचार्य द्वारा कि उसकी जिसकी स्थापना समाज के एक वर्ग के लाभ हेतु की गई है, किसी व्यक्ति को स्कूल में प्रवेश की अनुमति केवल इस आधार पर नहीं दी जाती है कि वह अनुसूचित जाति का है। प्राचार्य द्वारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के
निम्न प्रावधानों के अधीन अपराध है? तो याद रखिए धारा 5, ऑप्शन सी है इसमें भी। अगला है 15 का क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति अस्पष्टता के आधार पर किसी को माल बेचने या सेवा देने से इनकार करे तो वह दंडित किया जा सकता है। तो 15 का है आ, न्यूनतम 1 मास और अधिकतम 6 माह के लिए, न्यूनतम 100 रुपये से और अधिकतम 500 रुपये के जुर्माने से। ठीक, ए ऑप्शन आ ऑप्शन सी है इसमें। बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की, कौन सा 16वें नंबर का, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करने पर कितना दंड दिया जा सकता है? तो याद रखिए कितना है, दुष्प्रेरित अपराध के लिए उपबंधित दंड। फिर 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राधिकारियों में किसके द्वारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 ए की किसी क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना अधिरोपण उपबंधित करती है? तो याद रखिए राज्य सरकार, द ऑप्शन सही है इसमें। 18वां क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 का निम्न में से किस अधिकारी प्राधिकारी को किसी क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना अधिरोपित रोपण उपबंधित करती है? तो याद रखिए 18 का बा राज्य सरकार। फिर है अपना 19वां क्वेश्चन, जो कोई सिविल अधिकार अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन किसी अपराध का या ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण का पहले दो सिद्धि हो चुकने पर किसी ऐसे अपराध पर का दुष्प्रेरण का पुनः दो सिद्ध होने पर वह ऐसी दो सिद्धि का तृतीय अपराध किए जाने या तृतीय अपराध के पश्चातवर्ती किसी अपराध के किए जा के लिए कितनी सजा हेतु दंडनीय होगा? तो याद रखिए 19 का है बा कम से कम 1 वर्ष और अधिक से अधिक 2 वर्ष। 19 का बा ऑप्शन सही है। फिर 20, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय द्वारा उपधारणा से संबंधित है? तो याद रखिए 20 का है वा धारा 12 है। अगला 21वां क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 14 का के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण दिया गया है? 21 का है सा उपयुक्त आबाद दोनों, मतलब केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को। 22, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन अपराधों के संबंध में निम्न में से कौन का सा कथन सत्य है? अपराध संज्ञेय होगा, अपराध संक्षेपता विचारणीय होगा, द ऑप्शन सही है उपयुक्त आबाद दोनों सत्य हैं। अगला है 23 क्वेश्चन, कौन सा 23वां क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जिस पर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के किन्हीं प्रावधानों के अधीन अपराध में दोषी ठहराया जाता है कि संबंध में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे? तो 23 का है आ, यदि उसकी आयु 14 वर्ष से अधिक नहीं है। फिर 24वां क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित आयु से अधिक व्यक्तियों पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1954 लागू नहीं होता? तो याद रखना 24 का क्या है द 14 वर्ष। अब 25वां क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई? तो याद रखिए केंद्र सरकार को। तो चलिए ये था 1955 से संबंधित अभ्यास, उनके प्रश्न और उनके उत्तर।